इसी बीच खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने तेजी से बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है, यानी पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इस बात की जानकारी एनसीपी नेता नवाब मलिक ने दी है। मंत्री परिषद की बैठक हुई और कोरोना को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए। महाराष्ट्र में सख्त नियमावली बनाई गई है, कल शाम 8 बजे से वो नियमावली लागू होगी। शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। बाकी समय में 144 पाँच से ज़्यादा लोगों पे जमा होने पे पाबंदी रहेगी। सभी मॉल, रेस्टोरेंट, बार्स ये बंद करने का निर्णय लिया गया है। टेक अवे सर्विसेज चालू रहेगी, एसेंशियल सर्विसेज की जो भी वो है वो चालू रहेंगे। सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता से चलेंगे। इंडस्ट्री पूरी तरह से चालू रहेगी, वर्कर पे किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी। कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ वर्करों को रहने की व्यवस्था है वो सारी कंस्ट्रक्शन साइट चालू रहेगी। सरकारी ठेके में जहाँ लोग काम कर रहे हैं निर्माण का, वो सारे काम चालू रहेंगे। साथ ही साथ जो पूरी तरह से सब्जी मंडी है या जो भी चीज़ें हैं उस पर किसी भी प्रकार का निर्बंध नहीं, लेकिन भीड़ कैसे रुकेगी इसके लिए रहेंगी। साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया कि शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वीकेंड में महाराष्ट्र में रहेगा। ये निर्णय लेते समय एक मत से सभी लोगों ने चर्चा करके निर्णय लिया है और निर्णय लेने से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विरोधी पक्ष नेता से भी बात की, मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे जी से भी बात की, होटल इंडस्ट्री के लोगों से बात की गई, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से बात की गई, फिल्म निर्माताओं से बात की गई और सभी वर्ग से चर्चा करके ये निर्णय लिया गया है। एक महत्व की बात बताने के लिए रह गई कि शूटिंग पे जहाँ भीड़ नहीं होगी कोई प्रतिबंध नहीं रहने वाला, लेकिन थिएटर्स बंद रहने वाले हैं। पार्क 8 बजे के बाद बंद हो जाएंगे और वीकेंड में एकदम ही सारी चीज़ें बंद की जाएगी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था शुरू रहेगी। ना रिक्शा बंद होने वाली है, ना प्राइवेट गाड़ियाँ, ना टैक्सी बंद होगी, ना बस सेवाएँ बंद होगी, ना ट्रेन बंद होगी। हाँ, मास्क लगाना कंपलसरी होगा और जो क्षमता है उसकी आधी क्षमता से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा। इस तरह का एक मत से निर्णय लिया गया और ये भी चर्चा हुई कि रेमडेसिविर जो दवा है जिसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं कुछ लोग जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ भी कर रहे हैं, तो उसकी भी नियमावली जो पैसे पहले थी उसी तरह की रहेगी। सरकारी अस्पतालों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पतालों में जिसे ज़रूरत नहीं वहाँ भी लगाया जा रहा है और नहीं मिल रही, इस तरह का कुछ लोग पैसे कमाने के लिए गड़बड़ी कर रहे हैं, उन्हें भी नियंत्रित किया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी नहीं हो इसके लिए सारी व्यवस्था की गई है और बिस्तर बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। जो भी नगर पालिका, महानगर पालिका या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे भी कॉल सेंटर शुरू है। ये भी निर्णय लिया गया कि मंत्रालय में भी कॉल सेंटर शुरू रहेगा। हमें लगता है ये सारे नियमों का जनता ने पालन किया तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में कोविड पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। Thank you.